हमारे घर की मालकिन और ये हमारा घर। और ये आ गए हम। वहाँ पे भी जब हम गए थे तो कोई रास्ता नहीं था, हम ऐसे ही उबड़ खाबड़ में उतर उतर के गए थे। इट वॉज वेरी रिस्की, बट अब तो पानी है तो अब तो बिल्कुल भी जाने का सीन ही नहीं है। बस लाल कप्तान की मूवी का लाल कप्तान। अब जिसने भी लाल कप्तान अगर गलती से मूवी देखी है तो वो मूवी वो शॉट समवेयर देयर ऊपर वहाँ पे। इस मंदिर का नाम बाय द वे उड़ेश्वर महादेव है क्योंकि ये उड़ कर आया है मंदिर। तो ये मंदिर का राज ये है कि ये मंदिर ना पूरा उड़ते हुए आया था विद इन, ये पूरा का पूरा चट्टान सब काटते हुए। तो जैसे ही सुबह मुर्गा बोल गया ये मंदिर यहाँ का यही रुक गया, वरना जितना भी आगे की जितने भी रास्ते थे सब और कट जाते हैं। इनफैक्ट आगे तो गांव भी थे तो गांव भी काफी कट जाते हैं, बट यहाँ रुक गया। छोटा सा मंदिर दिख रहा ना, हाँ वहाँ पे ऐसा बोलते पहले वाले लोग कि कुछ ना कुछ खजाना है बहुत सारा। क्या बात करे, किसी को आगे ट्राई करना है क्या? युद्ध होते थे ना, हाँ तब वो लोग यही छुपाते थे। तो किसी की हिम्मत तो नहीं हुई वहाँ जाके कूदने की उसको। तूने कभी ट्राई नहीं किया? तू जाना अभी, तू आए तो दोनों चलते हैं। ये महाराणा प्रताप का पूरा बना के रखा है क्योंकि यहाँ पे जोधा अकबर और महाराणा प्रताप इन सब का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी वाला युद्ध, क्या सही है यार, कितना कुछ है यहाँ पे। हिस्ट्री डूड, हिस्ट्री। फाइनली हम वापस आ गए। हमारे थर्ड लोकेशन की तरफ वो है ये ब्यूटीफुल लेक जिसके काफी दूर खड़े हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किस्से हुए हैं। कितने लोग मरे आज तक कोई काउंट ही नहीं है यहाँ पे। ये है दाल बाटी। गांव में आए और दाल बाटी ना खाई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बॉस। अरे अरे घी और बाटी, जो डाइट कर रहा है वो तो पक्का राजस्थान मत आओ। ये दिस इज दाल, हाँ एकदम चूर चूर के खाया जाता है दाल बाटी। हाथ वाथ से स्पून वून से मत करना उसको कुछ। और ये हमारा टेरेस है, यहाँ पे भी बहुत सारे रूम्स है। सो फक द रूम, रूम वैसे भी अंदर तो जा नहीं रहे हम। वो हम लोग पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोते थे, बट ओनली इन समर्स विंटर्स में फटके हाथ में आ जाती है। और ऊपर एक और टेरेस थे जहाँ हम अभी जा नहीं सकते क्योंकि वो लॉक है, तो कल जाएंगे। एक चीज़ बताओ, कुछ इस तरह हम लोगों के घर में जागते हैं। दिस इज अ वेरी टाइनी विलेज, वो भी हमारा ही नौरा है। सो वहाँ पे है ना गाय भैंस और चारा वाला एंड वॉशरूम, वो वहाँ पे, मतलब जनरली वॉशरूम करने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। कितना मेहनत, बहुत मस्त होता है यहाँ पे सर्दियों में। घर का जिम, क्या बात है, क्या बात है। बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हो सुमन दीदी? लोगों के घर में जाग रही हूँ। दिस इज आर नौरा, दरवाजा खोल। हेलो। तो ये हमारा सुसु पॉटी का ठिकाना, और यहाँ पे एक्चुअली गाय भैंस और ये सब रखते थे, बट नाउ वी डोंट रियली कीप देम एनी मोर। उनका चारा वारा वाला रूम, चलो रूम तो इतने बनाए हर जगह, समझ में नहीं आ रहा क्यों। और ये ऊपर टेरेस, पॉटी करने आओ ऊपर टेरेस पे जाओ बैठ के चाय पियो, हो गया। और फाइनली वी केम बैक होम घूम घुमा के पूरा वाला। अब इट्स ओनली 6 o'clock राइट नाउ और यहाँ पे इतना अंधेरा हो चुका है। लाइक ऑलमोस्ट नाउ यू कांट रियली गो आउट एनी वेयर योर, बट क्या पीस है यार, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करके भी इतना कुछ किया है हमने दिन में। एंड वी ऑलरेडी हैड अ डिनर एंड एवरीथिंग एंड वी जस्ट चिलिंग राइट नाउ। दैट्स इट, अभी हमारे पास खाने को कुछ ज़्यादा है नहीं, तो शायद से पत्ते वत्ते खेलेंगे एंड दैट्स इट एंड योर डे इज डन। लेट्स ट्राई टॉकिंग इन मारवाड़ी, ठीक है? तो कुछ बोल, मैं उसको मारवाड़ी में बोलती हूँ वापस। कई कर रही है, कई कर रही है। अरे मैं 2-3 लाइन्स आती है, मैं बोलूँ मैं वीडियो बना रही हूँ मारवाड़ी में, ठीक है? मैं वीडियो बना रही हूँ और तू मैंने मिस कर ही नहीं। तू मैंने मिस कर ही नहीं। आई डोंट नो अ लॉट टू टॉक इन मारवाड़ी, बट देन दिस इज ऑल आई नो। लाइक कई कर रही है मतलब यहाँ पे 2-3, हाँ एक्चुअली बड़ी मारवाड़ी सब अलग अलग होती है, हमारी मारवाड़ी कई कर रही है और कटे जा रही है ना।
कटे जा रही है, काय कह रही है, बस दिस इज ऑल आर मारवाड़ी इज। तुम गाओ आओ और अगर अपने कजन के साथ मेंडी कोट नहीं खेलो और फिर बाद में ऐसे लोगों के सामने ना रो। ये लोग कितना रोते हैं जब मेंडी कोट में हारते हैं, तभी कोट चढ़ता है तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। ये क्या फालतू गिरी है। आई एम श्योर तुम लोगों के पास भी ऐसे कजिन होंगे जो मेंडी कोट में जब हारते हैं और उनपे कोट चढ़ता है तो बहुत रोते हैं। क्या होगा, आई स्वेर क्या रोता है ये जब कोट चढ़ता है तो इसपे। ओ दैट इज व्हाट द फन इज। आई थिंक एंड ऑफ द डे हम लोग मेंडी कोट खत्म करने के बाद मैगी 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 साले किचन में लॉक करके प्राइवेटली तो कोई मैगी नहीं बनाता होगा। छुप छुप के बनाना पड़ता है। छुप छुप के मैगी कौन बनाता है यार। बनाते हैं। ये। और बाय द वे मैगी खाने वाले दो प्रकार के लोग, एक ऐसे मैगी का मसाला। हेलो आई एम नॉट बीइंग चीप ओके। चीप। गाइस लेट मी नो इफ यू डू दिस। आई हैव टू शो यू फकर अ लॉट ऑफ इंडियंस डू इट। तू क्या बोल रहा है, मसाला चाट के खाने वाले लोग ज्यादा है या फिर खुशबू बेचारी खा भी नहीं रही है, बट एनी विच वेज बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वे हियर एंड आई होप यू एंजॉय दिस विलेज व्लॉग। इफ यू डिड देन नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। या प्लग इन था या यू कैन सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल। ओके गाइज बाय बाय। सीधे बैठ तो जा पहले रोटी बनाने से। तो मैं तो भाग ही जाऊंगा दूसरी होटल में। सीधे तो बैठ पहले रोटी ऐसे बना दे क्या। कंफर्टेबल हूं मैं ऐसे। या बाबा मैं प्रातः ऊंची करके लो। मम्मी से लो रोटी। रुक थोड़ा। आज मैं सुमन दीदी का हाथ से बस बनी। ये हमारे बात करने का इकलौता जरिया। हेलो इधर आ।